गांधी चौराहा और अन्य क्षेत्रों में नगर पालिका की गाड़ी से लगाए बीजेपी के झंडे। नगर पालिका कर्मचारियों ने शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग कलेक्टर से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 6 और 7 सितंबर को मंदसौर शहर में रहेगी। जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी बंसीलाल गुर्जर हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर के पति भी है। मंदसौर शहर में यात्रा को भव्य बनाने के लिए भाजपा तैयारी कर रही है। इसके लिए शहर भर में भाजपा द्वारा झंडे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार लगाने के लिए भाजपा द्वारा नगर पालिका के वाहनों और कर्मचारियों का उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रघुवेंद्र सिंह तोमर ने आपत्ति उठाई। उन्होंने नगर पालिका के जिम्मेदारों का फोन लगाया और जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर से इसकी शिकायत की। शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारियों को भाजपा की सदस्यता दिला दी जाए, और उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। मंदसौर शहर में नगर पालिका परिषद की गाड़ी से वो उनके कर्मचारियों द्वारा पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर व नगर पालिका सीमो से मांग की है कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और खर्च का पैसा नगर पालिका भाजपा से वसूल करे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का खुला दुरुपयोग लगातार कर रही है। अभी मंदसौर नगर में 2 दिनों से नगर पालिका के कर्मचारी नगर पालिका के वाहनों से पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए। सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ये बेहद दुखद है और शर्मनाक है। मैंने इसकी घोर निंदा की है और मैंने स्वयं जाके उन वाहनों को रुकवाया है, नगर पालिका सीएमओ से बात की, कलेक्टर मंदसौर को मैंने सवाल किया, क्या नगर पालिका के कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? क्या पूरी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गिरवी रख दी गई है? ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और चेतावनी देता हूँ जिला प्रशासन को कि अगर ऐसे कृत्यों को नहीं रोका गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। मैंने मांग की है कलेक्टर से और सीएमओ नगर पालिका से कि ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको तत्काल छुट्टी करो और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की सदस्यता दिलाओ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके वो काम करें। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनने का इतना शौक है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और वो काम करें, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी की हैसियत से अगर उनको काम करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी लगातार घबरा गई है, डर गई है। इनके कार्यकर्ता नहीं है, जो झंडे कार्यकर्ताओं को लगाने चाहिए वो कर्मचारियों से लगवाए जा रहे हैं, इतना दबाव में काम करा रही है।